मुझे तो यही चाहिए था ब्रो। किया है वो वाला फोटो देखो। आकाश एक फोटो भाई उधर के जूते तो पहने उतारे पहने हुए पहने हुए एक यहाँ फोटो बोर्ड के साथ भैया। हाँ हाँ क्या हो गया सलाम हो गया नहीं यहाँ तो क्लोज है ताबो से। एक तो ताबो से आगे भी कोई मैकेनिक है या तो फिर मैकेनिक है यहाँ से अराउंड 6 किलोमीटर पे तो वो कह रहा है उसको लेके आ जाओ। क्या हो गया भाई नहीं खोला यार तीस मिनट गेट ही नहीं खोला तो वही ऑप्शन रह गया हवा भरो चलो। ठीक है हवा देखना है उतर गया ऐसे नहीं दिखेगा उतरना पड़ेगा फर्स्ट लाइट मम्मी भाई के साथ मिल रहा उसमें ब्रेकडाउन भी हुआ उसमें बहुत सारे इश्यूज आए यार मेरे पास तो ये भी नहीं है आज गुड मॉर्निंग गाइस सो दिस इज द व्यू और दिस इज द होटल जहाँ पे हम स्टे किया था। अभी भी स्नोफॉल चल रही है और जब से हम लोग आए कल रात से पूरा स्नो हो रखा था और आज और बढ़ गया है। अब जा रहे हैं गाड़ी पे स्टार्ट करने जैसी गाड़ी स्टार्ट होती नहीं होती कि स्टोव है हमारे पास पहले डीजल पे चलाना पड़ता है वो सब कवर्ड है स्नो से एंड ये ताबू है तो प्रॉब्लम है इसके रात को 8:30 बजे के आसपास हम ताबू पहुंचे थे और सब कुछ बंद था यहाँ पर इधर केक सबसे दिखाओ टाइम नोट 10:30 10:30 काफी स्नो का काम स्नोजन का अच्छी असली काम आएगा। हाँ ये वाला भी प्लेस है ऑलरेडी बिल्ड हो चुके हैं यहाँ पे टेम्परेचर माइनस से दिखा रहे हैं पर बाहर बहुत कोल्ड है ये ना और 10 साल चलाना है आपको ठीक है ये भाई, वाला मेरी शादी में ना तुम्हें शादी में भी ये पहन के जाऊंगा और उसमें ना जहाँ जहाँ तुमने पहना है ना सब फोटो दिखाएंगे अगर अगर शादी और फिर 12 स्किन लगाएंगे अगर शादी नहीं हुई ना तो फिर उसकी शादी में जाके चन्ना मेरिया गाऊंगा ये पहन के अच्छा चलता हूं और एक कहीं आपके साथ रखना सो गाइज सुन दो चेक पोस्ट में अपडेट ये मिला अपने को कि अपना रास्ता आगे है बंद ट्रैवलर वापस जा चुके हैं और गाड़ियाँ वापस जा चुकी हैं वो ट्रैवलर अभी वापस गया हुई है। हाँ राइट सो नाको फ्रॉम हियर इज 33 एंड मालिंग इज 32 सो उनने हमको अलाउ किया है बिकॉज वी हैव गॉट 4x4 विद सोचेंस
Nothing. Mara. Just hold. Chill. Just hold your glass. It's in control. Chill. तो अभी यहाँ पे सीन ये हुआ था कि हम लोग की स्पीड थी अराउंड 30-40 के आसपास जब हम चल रहे थे और एकदम से रोड पे स्नो आ गया था। तो मैंने थोड़ा सा स्पीड कंट्रोल करने के चक्कर में हार्ड ब्रेकिंग कर दी जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी एंड गाड़ी ने जैसे मैंने ब्रेकिंग करी गाड़ी के ब्रेक्स लॉक हो गए थे और पीछे से टेल आउट हो गया था एंड गाड़ी स्किड होने लग गई थी। तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का टाइम था जब मुझे उनसे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ब्रेकिंग नहीं करनी चाहिए थी एंड देन मैंने अपने आप को थोड़ा पैनिक ना करके थोड़ा काम डाउन किया एंड देन मैंने उस गाड़ी को फर्स्ट गियर पर ला के छोड़ दिया। गाड़ी हमारी चल रही थी 4 एचपी सो थोड़ा टाइम लगा उसको अपने आप को स्टेबल करने में एंड देन गाड़ी स्टेबल हो गई एंड हम लोग उस जगह से बाहर निकल गए। बट सेकेंड थिंग जो मुझे थी उस टाइम पर दिमाग में ये कि मैंने पूरी टाइम कोशिश ये करी कि गाड़ी को लेफ्ट में रखूँ, गाड़ी को मैं एनी हाउ राइट में ना जाने दूँ ताकि अगर गाड़ी लेग से अगर स्टेबल नहीं भी होती है या अगर कंट्रोल में नहीं आती है तो गाड़ी का लेफ्ट बेशक हिट हो जाए बट हम राइट में ना जाएं। बट लकीली 4H पे आते ही गाड़ी फर्स्ट गियर पे आते ही वहाँ से निकल गई, समहाउ उसने स्टेबल करके हमको निकाल दिया वहाँ से बाहर और हम बच गए। गाइज ये था मेरा विंटर स्पीति का ब्लॉग और मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं ब्लॉग को छोटा सा छोटा रखूं ताकि ज़्यादा लंबा भी ब्लॉग ना बने एंड ऑलमोस्ट सारे ब्लॉग 6-7 मिनट्स के बने एंड आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो ब्लॉग। और फर्स्ट टाइम मैंने ब्लॉग बनाने शुरू किए थे यहाँ से क्योंकि मुझे बहुत गालियाँ पड़ी थी एंड अब जब मैं ब्लॉग बना रहा हूँ मुझे अच्छा लग रहा है ब्लॉग बनाने में, मज़ा आ रहा है मुझे ब्लॉग बनाने में, तो मैंने सोचा ये कि मैं ब्लॉग्स बनाता रहूँगा। मैंने ये ब्लॉग डाले थे डे वाइज, मतलब डे वन का एपिसोड वन, बट आगे के जो मेरे ब्लॉग्स हैं मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में कवर कर सकूँ। हाँ, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे बोलनी है वो ये है कि यार अगर ब्लॉग आप देखते हो और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है या ब्लॉग में कुछ भी बुरा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके इतना बता दो कि क्या चीज़ अच्छी लगी क्या चीज़ बुरी लगी ताकि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। अभी फ़िलहाल मैं अपने हर ब्लॉग में कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा हूँ कि किसी में मैंने कैप्शन डाले, किसी में मैंने इमोजीज डाले, ये चीज़ देखने के लिए क्या चीज़ अच्छी लग रही है क्या चीज़ नहीं अच्छी लग रही है। तो जस्ट लेट मी नो बाय कमेंटिंग कि एग्जैक्टली क्या चीज़ अच्छा है क्या बुरा है, क्या होना चाहिए, कौन सा एंगल से मुझे शूट करना चाहिए। और भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़े डिफरेंट एंगल्स लूँगा और थोड़ा सा इंट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ाऊँगा अगले व्लॉग्स में, लेट्स सी क्या रहता है। एनीवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इंटायर ब्लॉग सीरीज़ ऑफ माई विंटर स्पीति ट्रिप। इसके नेक्स्ट मैं बनाऊँगा अभी नेपाल में जो मैं लोअर मुस्टांग वैली करके आया था तो उसका मैं अगला ब्लॉग बनाना शुरू करूँगा एंड आई होप वो भी आप लोग को पसंद आए। चलो सी आप, बाय। सो गाइस दिस इज आवर एक्सपीरियंस ऑफ विंटर स्पीति।